फैक्टोरियल 0/0 ये डिफाइन नहीं है। जैसे हम पीछे जा रहे थे ना, जैसे हमने क्या किया था, 9/9 हमारा 8/8 है, हम पीछे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 8/8 करेंगे तो 7/7, मतलब हम नीचे आ रहे हैं। समझे, हम क्या करेंगे, 6/6 करेंगे तो हमारा 5/5 आ रहा था। फिर हम क्या किया था, 5/5 तो हमारा 4/4 आ रहा था। तो ऐसे करते 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 हम कहाँ तक आए थे, 3/2 है। हम कहाँ गए, हम 2/2 किया तो हमारा 1/4 है। फिर हमारा चौथा पॉइंट क्या हुआ, 1/1, क्या 1/1, ये हमारा क्या हुआ था, 0/1 हुआ था, ये तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट 1/1 इज आवर 0/1, मतलब 0/1 का वैल्यू है। तो हमारा चौथा पॉइंट होगा, अगर 0/1 को 0 ने डिवाइड करेगा तो -1/1 आएगा। हेलो, नहीं, लॉजिकली ये -1/1 आएगा ना, लॉजिकली, यस और नॉट। अगर 0/1 को 0 ने डिवाइड करके, 0 के पहले कौन सा नंबर आता है इंटीजर में, -1 आता कि नहीं। ये देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, हम इधर आ रहे हैं ना अभी, इसको डिवाइड करके, खुद को डिवाइड करके पीछे आते, खुद को डिवाइड करके पीछे आते, खुद को डिवाइड करके पीछे आते, ये तो है ना, ये तो समझ में आया आपको। 0/0 इज -1/1, क्या ये डिफाइंड है, 0 से डिवीजन डिफाइंड है क्या, नहीं है। 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है, इसलिए निगेटिव के फैक्टोरियल नहीं रहेंगे, निगेटिव डोंट हैव फैक्टोरियल फैक्टोरियल वैल्यू। अब समझ में आया आपको, निगेटिव के फैक्टोरियल नहीं रहेंगे। फिर आप कौन से वैल्यू तक जा सकते हैं, 0, 0 से आगे, 0/1, 1/1, 2/2, 3/6, ऐसा आगे आगे आगे, लिखो अभी ये सब चीजें, रेड ऑन ऑल दिस थिंग। इतना ही हुआ है हमारा इस चैप्टर में जो चल रहा है उसमें, नेगेटिव डोंट हैव फैक्टोरियल वैल्यू, ओनली 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैव द फैक्टोरियल वैल्यू। इसको रीड करना है आपको बाद में, बस कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब आईआईटी भी क्लियर कर सकते हो अगर आप इस तरफ रफ्तार से आंसर देते हो। बोलिए, हेलो, हेलो, हेलो सर, सुनिए, वो गलती से हो गया, वो हैंड सब चेक के वगैरह चेक करने गया था, वो हैंड ऑफ हो गया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब अच्छा आंसर दिया आपने, अब समझ में आया ना, गए। न्यू कुछ न्यू स्टूडेंट भी आपका भी तो करना पड़ता है, वो हाँ, थैंक यू सर। नेगेटिव डोंट फैक्टोरियल वैल्यू, 0/1 होता है, नेगेटिव डोंट फैक्टोरियल वैल्यू, बिकॉज ये नॉट डिफाइंड है, इधर लिखो नॉट डिफाइंड।
negative don't have structural value. बट ये जो है ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन सब बेसिक है. अब इसके ऊपर ही नहीं रखना, आपको आगे जाना है. इट वॉज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन. चलो हम जाएंगे आगे. उसके पहले हम क्या ले रहे थे ये हम बता दें. बिफोर दिस हमने लिया था मैथ डिटर्मिनेंट एकदम शुरू में, सब लोगों को बता दे डिटर्मिनेंट लिया. तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या हुआ, डिटर्मिनेंट का एक्चुअल अभी जो एप्लीकेशन है दो एप्लीकेशन का है वो ले लें. तो डिटर्मिनेंट में पहले लिया था हमने वैल्यू ए बी सी डी, तो उसके अलग हम निकालते ए डी माइनस बी सी, यानी एग्जाम्पल 2 5 7 8 फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ए सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट. ये आपका आंसर होगा. ये है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स AD माइनस बी 16 माइनस 35 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस माइनस 3 इंटू माइनस 8 प्लस 24 एंड 3 टू आर 6 माइनस 24 माइनस 6 जो आएगा वो आंसर आप. तो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट इज यस सर. हम आंसर नहीं फाइंड करते, पहला भी आंसर मैंने फाइंड नहीं किया, ये बताना है कि ये आता है आपका आंसर. तो आपको लिखना है साइड बाय साइड, एक फॉर्मूला हमने बताया था डिटरमिनेंट 2 by 2 से. अब 3 by 3 में कैसे बताया 3 by 3 में डिटरमिनेंट वाले, सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है ये 3 by 3 का. इससे आपका रेमेडियलाइजेशन खत्म हो जाएगा. डिटरमिनेंट कैसे रहता है ये 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 a 2 by 2 है. ये नोटेशन से एलिमेंट नंबर है, ये नंबर होते हैं नंबर. मतलब हमने जो लिया था इधर 5 2 3 7 लिया था ये अभी ले रहे हैं. ये हुआ a 1 1 ये हुआ a 1 2 ये हुआ a 2 1 ये हुआ a 2 2 ये 1 क्या डिनोट करता है रो का नंबर. ये रो है ना पहला रो, दूसरा कॉलम और ये दूसरा कॉलम, कॉलम डिनोट करते. तो हमें पहले नोटेशन पता चाहिए. नोटेशन नोटेशन मालूम नहीं रहते, नोटेशन ही समझ में नहीं आता क्या है इसका. फिजिक्स में एक ऐसा नोटेशन है, क्या आपने देखा है कभी ऐसा नोटेशन फिजिक्स में, एक ऐसा नोटेशन है कभी देखा आपने फिजिक्स में, एक ऐसा नोटेशन है कभी आपने देखा ऐसा नोटेशन है वो ऐसे नहीं. मैथ्स में एक ऐसा नहीं, जो देखा नहीं उसके बारे में बताना पड़ता है ना. पहले आपने कभी ये नोटेशन आपने देखा है मैं ये मालूम है बहुत सारे लोगों को. ये
और एसी के लाइन में ऐसा ही नोट दिखा, ये कौन सा नोट है? यही यही वो तो हुआ अभी, यही कौन सा? चलो ये नोटेशन आपको मालूम है, इसी से सिमिलर और एक नोटेशन है, उसका मीनिंग अलग है, उसका जैसा ही रहता है बट उसका मीनिंग अलग है। तो नोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं। ये जो पहला नंबर है ये रो नंबर डिनोट करता है, रो नंबर। ए वन वन में वन डिनोट करता है फर्स्ट रो, और दूसरा वन डिनोट करता है कॉलम, फर्स्ट रो वन। तो अब ए वन टू में, ए वन टू में, ए वन टू में ये जो वन है ये आर वन को डिनोट करता है, ए टू को डिनोट करता है सेकंड कॉलम, ये रो ए सी वन सी टू कॉलम। हॉरिजॉन्टल्स आर रोज एंड वर्टिकल्स आर कॉलम, यही इम्पोर्टेंट बात है, बाकी तो आपके पास है लॉजिकल ब्रेन है, आपने इतनी पढ़ाई की है, आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट। ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, सी वन सी रोज एंड कॉलम, ओके ए वन। अब हम ए टू वन अगर लिखते हैं, ए टू वन, ए टू वन विल बी डिनोट व्हाट, ए वन टू था, ए वन टू मतलब रो वन सी वन, ए वन टू मतलब रो वन सी टू, ए वन वन। अब ए टू वन, ए टू वन मतलब रो टू सी वन, रो टू सी टू, रो टू आर टू, ए टू वन मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए टू वन। अब ए टू टू, ए टू टू मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए टू टू मतलब सेकंड रो, पहला नंबर रो डिनोट करे, सेकंड नंबर कॉलम डिनोट करे, फर्स्ट नंबर विल डिनोट रो, सेकंड नंबर विल डिनोट कॉलम। हाँ यस, ये है टू बाय टू, इसका वैल्यू अगर देखे तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट माइनस दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ये वैल्यू होता है उसका, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। चलो हम आगे जाएंगे, तो दीज आर द नोटेशन फॉर रोज, हॉरिजॉन्टल आर रोज, ये ऐसे रो रहेंगे आर वन आर टू, ऐसे रोज रहेंगे। और डिटरमिनेंट में क्या होता है, रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, आर एंड एस सेम होते हैं डिटरमिनेंट। अगर दो रो हो गए तो दो ही कॉलम हो गए, तीन रो हो गए तो तीन ही कॉलम हो गए, अगर चार रो हो गए तो चार कॉलम हो गए, एन रो हो गए तो एन कॉलम हो गया, और इसी एन को कहते ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इज एन। तो मैं अभी कुछ डिटरमिनेंट लिखने जा रहा हूँ, आपको उसके ऑर्डर बताइए, फाइव सेवन एट नाइन डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का ये नोटेशन है, ये डिटरमिनेंट का है, ये मैट्रिक्स का है, ओके। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, टू बाय टू मतलब डायरेक्ट बताइए, एक ही नंबर में बताया जाता है डिटरमिनेंट का ऑर्डर, दोनों की जरूरत नहीं, टू बाय टू की जरूरत है डिटरमिनेंट, इफ द ऑर्डर इज टू, ऑर्डर क्या है उसकी टू। तो चलो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, दो रो है दो कॉलम है तो ऑर्डर हो गए। उससे आगे सोचो, इसके में पहले मत सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो राइट डाउन ऑन दिस ऑर्डर इज, अगर हम ऐसे लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव नाइन एट सिक्स फिफ्टीन, इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर थ्री, इसका ऑर्डर इज थ्री। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट,
ऑर्डर ऑफ, सब लोगों को समझे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। और ये नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, अब हम और एक डिटरमिनेंट लिखते हैं आपको उसका। यस, अब ये जो ये मॉडुलस जैसा है बट ये मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस इज डिफरेंट। ये डिटरमिनेंट के लिए साइन नहीं है, डिटरमिनेंट इसके बीच में आपको नंबर लिखना है। अगर मैंने सिर्फ एक ही नंबर लिख दिया तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट? यस, ये ऑर्डर वन डिटरमिनेंट। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? इट इज ऑर्डर वन डिटरमिनेंट। ओके, ये भी रहता है नो डाउट, वन ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट होता है। क्या इसकी वैल्यू फाइव आएगी क्या कैलकुलेशन करके? चलो हम 2/2 से सब वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, ऑर्डर समझ में आया। तो यस, अब मैंने ऐसा डिटरमिनेंट लिया 5, 7, 8, 9, तो क्या वैल्यू आएगा हमारा? What is the value of the determinant? 45 minus 66. That is the value of determinant. Yes. 45 minus 66. Okay. अब थोड़ा सा अलग determinant. 5, 7, -1, 2. What is the value of determinant? -1, 7. What is the value of determinant? 5, 7, 35 minus 1 into 2 per product. So 37. डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, क्वेश्चन सिंपल रहते, समझ में नहीं आता। हम इधर लिखते हैं 0 और इधर लिखते हैं 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट? हाँ, मुझे 3/3 लेना है। कैसे? The value of determinant, first cross product minus second cross product, first cross product minus second cross product. Yes, first cross product. देखा, बहुत बार
बहुत सिंपल बहुत सिंपल। दिस माइनस दिस, तो व्हाट इज दिस, 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इज माइनस 2। ओके तो दीज आर द वैल्यूज। अगर हम क्या करते हैं, सब 0 0 लिखते हैं, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को वन बाय वन में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वन बाय वन, इसका वैल्यू क्या होगा, 5। इसका वैल्यू 5 होगा। वैल्यू होगा 5, है ना, मतलब इसका वैल्यू 5 है। कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू 5 है। अब आगे जाइए, थोड़ा सा इसमें हम बताते हैं आपको, इसका वैल्यू 5 है, कुछ चेंज नहीं है, नो चेंज, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मल्टीप्लाई करने के लिए, कोई माइनस करने के लिए नहीं, वही 5 है आंसर आएगा। और कुछ डाउट, एक नंबर का वैल्यू जो रहता है उसका डिटरमिनेंट वही रहता है, एनी डाउट टू एनीबॉडी, चलो किसी को डाउट है स्पेशल, अगर होगा तो हैंड रेज कीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ 5। नहीं है किसी को भी नहीं है, है ना। अब डाउट आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ माइनस 5, कितनी आएगी वैल्यू, डिटरमिनेंट बोल रहा हूँ, डिटरमिनेंट, फिर से प्रॉब्लम आएगा, डिटरमिनेंट, यस यू आर राइट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, रुको रुको रुको, मॉड, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, फिर से चेक करके दीजिए, फिर से सब लोग, ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है, मॉडुलस इज डिफरेंट फ्रॉम द डिटरमिनेंट। अगेन आंसर यू, हाउ टू आंसर, मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस बोला है नहीं हमने, ये डिटरमिनेंट बोला है वन बाय वन। हाँ बाप बोलती बताइए, व्हाट विल बी द आंसर, आपका आंसर बदलेगा अभी, मॉडुलस नहीं है ये, नहीं नहीं ये अलग है, सिर्फ इतना ही है, ये माइनस 5 है, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, वो मॉड में प्लस 5 आता है, मॉड में प्लस 5 आता है। ओके अब हम आपको पूछते हैं, अब बताइए आंसर, व्हाट इज माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस, अब बताइए, मॉडुलस नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस, हाँ मॉड अलग है, डिटरमिनेंट अलग है, आपको वहां देखना पड़ता है ये मॉडुलस है या डिटरमिनेंट है, बताया जाता है, यस इट विल बी माइनस 2, 2/2 का वैल्यू, ऑल ऑफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ 2/2, वेरी गुड, नाइस, चलो 2/2 मिल गया सभी, मॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वन बाय वन, वन बाय वन हुआ ये लिख लो, 2/2 डिटरमिनेंट हुआ, अभी हम जाएंगे 3/3 डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन वो हम कल के लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज हमारा इधर ही एंड होता है। पार्टिसिपेंट डोंट गो एनीवेयर, आई वांट योर अटेंडेंस। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में सर फिर से कुछ अगर पूछना हो तो। पार्टिसिपेंट आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे अटेंडेंस लेनी है।
मुझे यहाँ विजिबल होता है किसने ऑडियो कनेक्ट किया है किसने नहीं, आप लोग उससे सतर्क रहिए उन सब चीजों से। अभी वीरभद्रा करंटली सेम इंसिडेंट में है, उसको मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। मुझे पता नहीं आप लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप वॉइस को कनेक्ट नहीं करते, ऑडियो कनेक्ट नहीं करते, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का। अगर कुछ बदलाव की जरूरत है लेक्चर्स में तो वो बताइए मुझे, सजेस्ट कीजिए, अगर अच्छे सजेशन होंगे तो मैं उसको फॉलो करूंगा आप लोगों के लिए। माय जस्ट एम इज दैट यू गेट द नॉलेज विद वेरी वेल वे। आप लोगों के लिए मैंने रेमेडियल क्लासेस रखी बट कोई रिस्पांस नहीं प्रॉपरली कुछ बच्चों की तरफ से जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एक्चुअली वीरभद्रा का ही सजेशन था और उसने अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है रेमेडियल क्लास का। आप लोग लीव कर सकते हो, मैं वीरभद्रा से बात करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप लोग सेंड कर सकते हो पर्सनली लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स वर्ड्स। Okay, thank you. Try to join at Maths 2 for the at 8:50 for the join Maths 2 at 8:50 for the Maths 2 you have to join at 8:50.